हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम सतीश, आपको स्वागत है फैंटेसी विद शत्रुघ्न चौबे चैनल में। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं विजयनगर वीर्स वर्सेस सिंसोनिक्स के बीच में होने वाला 9th मैच के बारे में। अगर लीग की बात करें दोस्तों, युवा कबड्डी मानसून एडिशन 2022 का लीग है दोस्तों। यहाँ पर डेट एंड टाइम की बात करें, 4 बजे शाम को यहाँ पर खेला जाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर ओवर टाइप हो गया बाई मिस्टेक यहाँ पर। तो ये 2022 का लेके दोस्तों युवा कबड्डी सीरीज भी आप बता सकते हो। तो दोस्तों, अगर दोनों टीम के फॉर्म की बात करें, विजयनगर वीर्स यहाँ पर इस सीजन में एक मैच खेले, एक मैच जीत चुके हैं। और हम्पी हीरोज़ की बात करें दोस्तों, एक मैच खेले, वो मैच हार गए दोस्तों यहाँ पर। तो पॉइंट्स टेबल पर बात करें दोस्तों, विजयनगर वीर्स ने यहाँ पर एक मैच जीते हैं और यहाँ पर एक मैच खेले सेकेंड पोजिशन पर। और यहाँ पर सिंसोनिक्स की बात करें, एक मैच खेले दोस्तों, वो मैच हार के 8th पोजिशन पर। तो दोस्तों, ये जो मैच होगा सेकेंड पोजिशन वर्सेस 8th पोजिशन के बीच में खेला जाएंगे। उसके बाद बताऊंगा दोस्तों, विजयनगर वीर्स के लिए यहाँ पर डिफेंडर, ऑलराउंडर्स, राइडर्स पे कौन आएंगे, किसको पिक करना चाहिए। इसी प्रकार सिंसोनिक्स के लिए डिफेंडर, ऑलराउंडर, राइडर्स में किसको पिक करना चाहिए, पूरे डिटेल के साथ स्टैट्स आपको मैं शेयर करूंगा। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, आपको मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। टेलीग्राम का जो लिंक है दोस्तों, मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में भी पिन किया दोस्तों। एक बार जाके लिंक पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट मेरे टेलीग्राम चैनल पे पहुंच जाओगे दोस्तों। अभी जो ये जो मैच हो रहा है दोस्तों, उसका फाइनल टीम है पीपी वर्सेस डबल एच के बीच में। तो दोस्तों, इसी प्रकार आपको यहाँ पर मैं फाइनल टीम प्रोवाइड करता हूँ। उसके साथ साथ दोस्तों, अभी जो मैच हो रहा था एकदम मेगा अल्ट्रा क्लीन शिप किया दोस्तों। वहाँ पर मैंने बताया था कलीर वाना को आपको कैप्टन बनाना, वाइस कैप्टन में सागर मल्लिक को लेना दोस्तों। अगर कौन कौन पर्सन बनाए तो उनका एकदम मेगा क्लीन शिप गया दोस्तों यहाँ पर। इसके साथ साथ दोस्तों, आज जो पहला कबड्डी मैच हुआ था वो भी अल्ट्रा क्लीन शिप गया दोस्तों यहाँ पर। एकदम रैंक वन टीम मिल रहा है, आप यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पर रैंक वन है और यहाँ पर 5 मेंबर स्पॉट। तो हमेशा की तरह आज भी फिर से मैं बता रहा हूँ, अगर आप मेरे टीम के साथ 3 स्पॉट्स और यहाँ पर हेड टू हेड खेलते हो तो आप हमेशा विनिंग में रहेंगे, आपका सारा लॉसेस कवर हो जाएंगे, ये मेरा वादा है। अगर आप 5 स्पॉट्स खेलना चाहते हो तो तब भी जीतेंगे दोस्तों, लेकिन हेड टू हेड 3 स्पॉट्स में आपका ज़्यादा विनिंग दूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है दोस्तों। उसके साथ साथ सारा इन्फॉर्मेशन आपको मैं डिटेल से कवर करूंगा। लेकिन अगर बाय मिस्टेक टेलीग्राम का लिंक ओपन नहीं होता तो क्या करना, तो टेलीग्राम पर आपको जाना है दोस्तों, @शत्रुघ्न मेरे चैनल का नाम है दोस्तों, 225 इस प्रकार आपको सर्च करना। सर्च करते हैं दोस्तों, आपको मेरे चैनल से हो जाएगा। 1200 प्लस यूजर्स मेरे चैनल को ज्वाइन कर चुके हैं, लेकिन दोस्तों कुछ यूजर्स हैं अभी भी मेरे नाम पे फेक चैनल बना रहे हैं। उससे आप दूर रहिएगा दोस्तों, उससे आप कितना दूर रहेंगे आपके लिए उतना बेनिफिट रहेगा। तो क्योंकि यहाँ पर जिस एप्लीकेशन पर मैं खेलता हूँ उसका लिंक यहाँ पर प्रोवाइड करूँगा। उसके साथ साथ यूट्यूब का थंबनेल होगा, यूट्यूब का लिंक होगा दोस्तों, जो मैच मैं कवर कर रहा हूँ, ये सारा इन्फॉर्मेशन आपको मैं देने वाला हूँ। तो दोस्तों, अब जान लेते हैं दोनों टीम के प्लेयर्स के स्टैट्स क्या रहेंगे। तो विजयनगर वीर्स की बात करें, डिफेंडर्स में यहाँ पर मैं 3 डिफेंडर्स को पिक कर रहा हूँ। कृष्ण नगर है दोस्तों, यहाँ पर लास्ट मैच में 2 टैकल पॉइंट्स लिए। शिवम सिंह तोमर को भी लास्ट मैच में 2 टैकल पॉइंट्स मिले और रवि भक्ति आलोक कुमार को भी 1 टैकल पॉइंट मिले। तो दोस्तों, यहाँ पर देखा जाए तो ये तीनों की यहाँ पर अच्छा परफॉर्मेंस है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बेस्ट 2 दूंगा, शिवम सिंह तोमर और यहाँ पर कृष्ण नगर। इन दोनों को आप डिफेंस में ले सकते हो। ऑलराउंडर्स पे दोस्तों, अमित नगर के कमाल की परफॉर्मेंस दी है लास्ट मैच में, 3 टैकल पॉइंट इनका अकेला रहा दोस्तों। तो यहाँ पर इनका भी, क्योंकि डिफेंस में आपको 3 टैकल पॉइंट अगर मिल रहे हैं तो आसान बात नहीं है दोस्तों यहाँ पर। उसके बाद बात करते हैं राइडर्स की। तो राइडर्स की बात करें तो यहाँ पर जो पहला प्लेयर मैं पिक करने जा रहा हूँ, अर्जुन सिरोही सबसे बेस्ट पिक रहेंगे दोस्तों यहाँ पर। लास्ट मैच में 14 पॉइंट लिए, इसमें 11 राइड पॉइंट रहा, 2 बोनस पॉइंट और 1 टैकल पॉइंट। तो इनका ऑलराउंडर परफॉर्मेंस रहा दोस्तों, यहाँ पर इनको जरूर टीम में लीजिएगा। उसके बाद विशाल चौधरी है दोस्तों यहाँ पर, अगर इनकी बात करें लास्ट मैच में 8 राइट पॉइंट 1 बोनस पॉइंट, कुल मिला के दोस्तों 9 राइट पॉइंट्स ने लास्ट मैच में, तो इनको भी आप टीम में रखिएगा। उसके बाद अभिजीत डेगर की बात करें दोस्तों, यहाँ पर 6 राइट पॉइंट है। शुभम बिंदुरी की बात करें दोस्तों, लास्ट मैच में तो प्लेइंग 11 में थे, प्लेइंग 7 दोस्तों, क्रिकेट नहीं है कबड्डी है, प्लेइंग 7 रहता है। तो इनको मौका तो मिला लेकिन दोस्तों कोई पॉइंट नहीं मिला, राइडिंग भी गए लेकिन कोई पॉइंट नहीं ले पाए। लेकिन यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर अर्जुन सिरोही और विशाल चौधरी, इन दोनों यहाँ पर सबसे ज़्यादा पिक रहेंगे, अच्छा रहेंगे। अभिजीत डागर की बात करें दोस्तों, यहाँ पर ये जो प्लेयर है ग्रैंड लीग के लिए आपको अच्छा साथ दे सकता है। तो दोस्तों, एक टीम की स्टैट्स जानने के बाद इसी प्रकार हम सिंसोनिक्स की जानेंगे। सिंसोनिक्स की बात करें दोस्तों, यहाँ पर डिफेंस में विनोद कुमार प्रसाद है, 2 टैकल पॉइंट्स लिए दोस्तों यहाँ पर। उमेश पार्टी की बात करें 1 टैकल पॉइंट है। सौरव कुमार सिंह की बात करें 2 टैकल पॉइंट्स है। तो यहाँ पर देखा जाए तो दोस्तों, यहाँ पर विनोद कुमार प्रसाद और सौरव कुमार सिंह को यहाँ पर मैं लूंगा। ऑलराउंडर्स पे दोस्तों, यहाँ पर विशाल पटियाल है, 0 पॉइंट्स है दोस्तों यहाँ पर, कोई राइट पॉइंट इनको कुछ मौका नहीं मिला दोस्तों, कोई अच्छा परफॉर्मेंस भी नहीं दे पाए, लेकिन यहाँ पर इनको मैं अवॉइड करूंगा। लेकिन राइडर्स में दोस्तों, यहाँ पर कमाल के राइडर है शंकर मिश्रा, लास्ट मैच में 19 पॉइंट लिए, जिसमें दोस्तों 13 राइट पॉइंट 5 बोनस पॉइंट 1 टैकल पॉइंट। तो यहाँ पर एक अच्छा परफॉर्मेंस इनका रहा लास्ट मैच में, इनसे उम्मीद करते हैं कि ये भी मैच अच्छा खेलें और यहाँ पर इनको मैं कैप्टन बना सकूँ। उसके बाद दोस्तों, अभिमन्यु कुमार यादव की बात करें 3 राइट पॉइंट लिए। बलराज सिंह ने यहाँ पर लास्ट मैच में 11 पॉइंट लिए,
इसमें 7 राइट पॉइंट, 3 बोनस पॉइंट, 1 टैकल पॉइंट है दोस्तों। यहाँ पर राहुल कुमार गोपी की बात करें, लास्ट मैच में कोई पॉइंट्स नहीं मिला। तो यहाँ पर आपको राइडिंग में दोस्तों दो प्लेयर मिल गए, शंकर मिश्रा, बलराज सिंह। तो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पर दोनों टीम की स्टैट्स सब कुछ जानने के बाद अब दोस्तों हम लोग फाइनल टीम बनाएंगे। तो मैं फाइनल टीम बना के रख चुका हूँ, तो एक बार अच्छे से देख लेंगे दोस्तों यहाँ पर। तो देख लीजिए दोस्तों यहाँ पर मैं तीन ऑलराउंडर के जा रहा हूँ, सिंह तोमर, के नगर, किशन नगर, बी कुमार प्रसाद है दोस्तों यहाँ पर। उसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर ऑलराउंडर में एक ही प्लेयर को लूंगा, ए नगर, अमित नगर ने लास्ट मैच में 3 टैकल पॉइंट्स लिए। तो यहाँ पर बाकी ऑलराउंडर्स किसी भी परफॉर्मेंस खास नहीं है दोस्तों यहाँ पर। तो उसके बाद राइडिंग डिपार्टमेंट में आपको सिरोही नजर आएंगे दोस्तों यहाँ पर, ये भी लास्ट मैच में अच्छे परफॉर्मेंस दिए। उसके बाद यहाँ पर ये डैगर है दोस्तों यहाँ पर, इनको आप जरूर टीम में रखिएगा। उसके बाद दोस्तों आते हैं एस मिश्रा, एस मिश्रा तो लास्ट मैच में क्या परफॉर्मेंस किया आपको सभी को पता है। तो दोस्तों फिलहाल ये जो टीम है ना, पहले इस टीम को आप सेव करके रख लीजिएगा। इस टीम को सेव करके रखेंगे दोस्तों, फाइनल टीम जो होगा आपको मैं टेलीग्राम पे दे दूंगा दोस्तों। टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में भी पिन करूंगा दोस्तों। फिलहाल इस टीम को आप सेव करके रखिएगा, फाइनल टीम बेस्ट टीम मिलेंगे दोस्तों आपको टेलीग्राम पे ही मिलेंगे। और ये कबड्डी एकदम हमेशा मेरा विनिंग जाता है दोस्तों, प्रो कबड्डी लीग हुआ था उस पर भी विनिंग गया, और यहाँ पर भी आपको मैं विनिंग में रखूंगा, ये मेरा वादा है दोस्तों। आप मुझ पर विश्वास कीजिए, आप हमेशा विनिंग में रहोगे। आप हेड टू हेड 3 स्पॉट्स और 5 स्पॉट्स अगर आप मेरे टीम के साथ खेलते हो तो आप हमेशा विनिंग में रहोगे। तो दोस्तों मैं यहीं पर वीडियो को भी समाप्त कर रहा हूँ, नेक्स्ट जो मैच है दोस्तों उसको भी कवर करूंगा। तो अभी तक यहाँ पर 4 कबड्डी मैचेस आज मैंने कवर कर चुका हूँ दोस्तों, पूरे 5 मैचेस आज खेला जाएंगे। तो दोस्तों उसके बाद क्रिकेट भी है, क्योंकि मेरा मेन मोटो क्रिकेट कवर करता हूँ, लेकिन कबड्डी के मैचेस है तो कबड्डी के सारा मैचेस कवर करूंगा, आपको मैं स्टार्टिंग में ही बता चुका हूँ। तो क्रिकेट की भी रात को मैचेस है दोस्तों, उसको भी नहीं छोड़ूंगा, उसमें तो और विनिंग लाऊंगा दोस्तों। आप जल्दी से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, और अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों सब्सक्राइब करना, और इसके साथ साथ बेल आइकन को क्लिक करना, क्योंकि फ्यूचर में जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा आपको सीधा नोटिफिकेशन मिल जाएगा, वहां जाके देख सकते हो। थैंक यू, जय हिंद।